टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक नई वेबसाइट लॉन्च किया है टैबकॉप। टैबकॉप की वेबसाइट में आप लॉगिन करके जितनी भी आपकी आईडी से सिम चालू हुई है उन नंबर्स का आप पता लगा सकते हैं। यानी ये वेबसाइट फ्रॉड मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, यानी कंज्यूमर का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आईडी से नंबर चालू हुए रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता है कि वो नंबर उनका है और वो नंबर उनके नाम पे चालू रहते हैं, और अगर उस नंबर से कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ती है कि जिस आईडी से वो नंबर चालू हुआ रहता है, और आईडी वाले पर्सन को पता ही नहीं रहता है कि वो सिम उसका है, यानी वो नंबर यूज कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप टैबकॉप की वेबसाइट पर लॉग इन करके पता कर सकते हैं कि आपके आईडी से कितनी सिम चालू है, कौन कौन से नंबर चालू है। अगर वो नंबर आपके हैं तो आप उसे रहने देंगे, और अगर आपका वो नंबर नहीं रहता है तो उस नंबर का आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर उस नंबर को आप बंद करवाना चाहते हैं तो उस नंबर को आप डायरेक्ट इस वेबसाइट की मदद से बंद करवा सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको टैबकॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या आपको फीचर एंड बेनिफिट मिलेंगे और कैसे इसमें आपको लॉग इन करना है, और कैसे अगर आपका नंबर नहीं है तो इसको आपको रिपोर्ट या फिर बंद करवाना है। सो गाइज, मैं हूँ नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। टैबकॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको सर्च करना है टैबकॉप digitelecom.gov.in, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टैबकॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, इनका होम पेज इस तरीके से है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो टैबकॉप का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है, और फुल फॉर्म से इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पर फ्रॉड मैनेजमेंट को देखते हुए और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। अगर यहाँ पर आपने कोई सिम आपके द्वारा नहीं चलाई जा रही हो और आपके आधार कार्ड आपके डॉक्यूमेंट से चालू है तो उसको आप चेक कर सकते हैं और उसको आप बंद करवा सकते हैं, या फिर उसके लिए आप रिपोर्ट करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नोट येलो कलर का मिल जाएगा, करेंटली द फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कंज्यूमर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कंज्यूमर है केवल उन्हीं लोगों के लिए फैसिलिटी लॉन्च की गई है, यानी अभी अवेलेबल है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा भी और स्टेट है जहां पर ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आप ट्राई करेंगे, यूपी में, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके अबाउट पर बता दिया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर आपको सिस्टम मिलता है, यानी क्या क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे, द टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट। फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। कंज्यूमर का यहाँ पर प्रोटेक्शन होगा, यहाँ पर जो डॉट होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनके द्वारा ये सर्वल किया जाएगा, यानी मेजर किया जाएगा जो भी यहाँ पर आप इंक्वायरी वगैरह करेंगे या फिर रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस वगैरह मिलती रहेगी, इंडिविजुअल आपका मोबाइल नंबर रहेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मोबाइल सब्सक्राइबर है तो ज्यादा से ज्यादा 9 सिम से ज्यादा यूज नहीं कर सकता है, यानी जिसके नाम से आईडी रहता है वो 9 मोबाइल कनेक्शन ले सकता है, यानी 9 मोबाइल नंबर ले सकता है। उससे ज्यादा अगर मोबाइल नंबर लेता है तब की कंडीशन में वहां पर उसको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका मोबाइल नंबर 9 से ज्यादा एक्टिव हुआ है। ट्राई के द्वारा ये पहले से गाइडलाइंस लाई गई थी कि एक कस्टमर यानी एक नाम से 9 आईडी से ज्यादा 9 मोबाइल नंबर चालू नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, नीचे यहाँ पर वेबसाइट को डेवलप किया जाएगा, आपके सब्सक्राइबर के लिए जो हेल्प वगैरह मिलेगी, इसके साथ ही जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो उस पर आपका यहाँ पर नेम और नेसेसरी वगैरह एक्शन यहाँ पर देना होगा, आपको नाम वगैरह। और यहाँ पर बताया गया है प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी यहाँ पर कस्टमर को अगर यहाँ पर आपको दिखता है कि आपका नंबर नहीं है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर बंद करवा सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है सब्सक्राइबर हैविंग मोर देन 9 मल्टीपल कनेक्शन इन देयर नेम विल बी इंटीमेटेड बाई SMS। अगर 9 से ज्यादा सिम चालू होती है एक आईडी से तो आपको SMS के द्वारा इंटीमेट कर दिया जाएगा। जनरली यहाँ पर आपको पता होगा कि कोई भी अगर सिम कार्ड यूज करता है तो एक से ज्यादा 2 सिम कार्ड यूज करता है। अगर एक ही आईडी से और भी सिम कार्ड यूज करना हो तो मान लीजिए अपनी फैमिली को दे दिया तो बहुत होता है तो 4 से 5 सिम कार्ड कोई इससे ज्यादा एक आईडी से नहीं लेता है। तो अगर इससे ज्यादा आपका सिम कार्ड रहता है तो उसे आप रिपोर्ट करा सकते हैं या फिर आप उसे बंद करवा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कोई एक मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर में जो भी आईडी रहेगी तो उस आईडी से जितनी भी सिम चालू रहेंगी सिम कार्ड चालू रहेगा आपके सामने आ जाएगा।
यहां पर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है तब की कंडीशन में आप यहां पर दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी डाल के यहां पर आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप टैब कॉप में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। सबसे ऊपर देखेंगे लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर आईडीज। आपकी आईडी से जितनी भी मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड हैं, यहां पर नीचे साइड आ जाएंगे। यहां पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबसे पहले नेम ऑफ यूजर, यहां पर आपको अपना नेम डालना होता है, जो भी आपका नाम रहेगा आपकी आईडी पर, आपके आधार कार्ड पर, यहां पर आप अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद यहां पर आप नीचे साइड आएंगे, आपकी आईडी से जितने भी सिम कार्ड चालू रहेंगे यहां पर नीचे साइड आ जाएंगे। यहां पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहां पर जितने भी नंबर आपको शो हो रहे हैं ये सभी आपकी आईडी से चालू हुए हैं। तो ऐसे ही आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और यहां पर जो भी आपका नंबर आप यूज नहीं कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर में नहीं है, आप इसको नहीं जानते हैं नंबर, तो आप उसको रिपोर्ट करा सकते हैं या फिर बंद करवा सकते हैं। जैसे यहां पर 99 लास्ट में यहां पर 3708 है, इसको मैं यूज करता हूं। इसके साथ ही 5105 इसको भी मैं यूज करता हूं। और यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर 7676 इसको मैं यूज करता हूं, लेकिन इस सिम कार्ड को मैं बंद करवा चुका हूं, लेकिन अभी शो हो रहा है तो इसको आप यहां पर बंद करवा सकते हैं, इस सिम कार्ड का मिसयूज ना हो। इसके साथ ही यहां पर और भी नंबर है, अगर आप इसको जानते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज यहां पर आप इसको बंद करवा सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका यहां पर नंबर रिपीट भी हुआ है, कई बार ये नंबर रिपीट होते हैं। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता दूं अब कि आपको अपने सिम कार्ड को कैसे रिपोर्ट करवाना है और कैसे आपको बंद करवाना है। तो यहां पर चलिए मैं आपको कोई एक सिम कार्ड यहां पर रिपोर्ट करके दिखा देता हूं। जैसे ये नंबर जो है 96 लास्ट में 0383 है, इस नंबर को मैं यूज ही नहीं किया हूं कभी, और ये मेरे डॉक्यूमेंट से आईडी से चालू हुआ है। तो इसको हम टिक मार्क करेंगे और यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, दिस इज नॉट माय नंबर, नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। अगर आप इस कार्ड को यूज करना चाहते हैं इस नंबर को, तो यहां पर रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसे यूज नहीं करते हैं, तो नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर आपका ये नंबर है ही नहीं, आपने यूज ही नहीं किया है, तो दिस इज नॉट माय नंबर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो रिपोर्ट आपका सबमिट हो जाएगा और यहां पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। और ये जो रेफरेंस नंबर होता है, तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है उस नंबर पर भी सेंड किया जाता है। इसको आपको ओके कर लेना है और ये नंबर पर जो भी यहां पर स्टेटस रहेगा गवर्नमेंट का या फिर ट्राई का, तो आपको मैसेज के थ्रू मिलता रहेगा, इस नंबर को बंद कर दिया जाता है, या फिर अगर बंद किया जाता है तो आपको बंद का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी रहेगा तो यहां पर आपको स्टेटस मिल जाएगा। तो यहां पर जो भी आप रिपोर्ट करेंगे उसका स्टेटस चेक करने के लिए यहां पर आपको शो आपका नंबर रहेगा ट्रैक कैंसिल का, तो यहां पर आपको वही नंबर को डालना है और ट्रैक कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहां पर आपका रिपोर्ट का स्टेटस आ जाएगा, यहां पर नॉट माई नंबर, इस पर मैंने यहां पर एक रिपोर्ट किया हुआ है और स्टेटस पेंडिंग है। और इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और इसको अगर आपको क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। ऐसे और भी नंबर को अगर आपको रिपोर्ट करना है तो यहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं एक और नंबर आपको रिपोर्ट करके दिखा देता हूं, यहां पर एक और मेरा नंबर नहीं है, मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। जैसे ये 95 वाला है, इस नंबर को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसको भी मैं रिपोर्ट करूंगा। तो यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहां रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और आपको ट्रैकिंग आईडी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपका कोई भी नंबर नहीं यूज कर रहे हैं और वो आपकी आईडी से चालू हुआ है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी अगर आपके केस हो, तो यहां पर दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा सर्विस ट्राई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्योंकि अगर आपके आईडी से कोई भी सिम कार्ड चालू रहता है और अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं और उसका अगर मिसयूज हो जाता है, तो अगर कोई भी दुर्घटना या घटना होती है, तो पुलिस सबसे पहले उस नंबर से चालू हुए आईडी को पकड़ती है कि किस आईडी से ये नंबर चालू हुआ है, और उसको सबसे पहले पकड़ती है। तो यहां पर आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने नंबर को रिपोर्ट कर देना है या फिर यहां पर इसको बंद करवा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप ट्राई के द्वारा ये लॉन्च की गई एक बेहतरीन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबकॉप का। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सर्विस ट्राई के द्वारा जो लॉन्च की गई है आपको कैसी लगी, और ये आपको जो वीडियो था काफी नॉलेजफुल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं, नीलेश 094। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।